और हमारे गुरुजी ने कह दिया, सन्यासी बाबा का कहना है आज से बाल बांका नहीं हुआ होगा। और जिसने ये चैलेंज दिया है परिवार के अमुक अमुक ने, उसका चैलेंज भी स्वीकार, तो तुम्हारी बच्ची का करियर भी बचेगा। जाओ, आशीर्वाद। अभी तुम्हें नहीं बैठ दर्शन करना, महाराज जी आपको बुलाते हैं ना किसी राज सरकार में, तो तुम्हें यही सेवा करना, खुश नहीं होगा आपसे कोई मुस्कुराओ जाओ। और हम आपको आप कल, हाँ कल गुरुवार कब है? आप तुरंत 5 लौंगे और काला रंग का कपड़ा अभी दीजिए, 12 बजे तक पहले बांध दीजिए, ठीक हो जाए। मोरी मैया बहुत भक्त नहीं हो, तुम्हारे ही कारण एनर्जी लगी है, ये बहुत भक्त नहीं। और इन्होंने घर पे कहा भी था, तुमने घर पे वचन भी दिए थे सन्यासी बाबा को, और तुमने सन्यासी बाबा को कहा भी था तुम सच के हो, सबको बुलाते हमें नहीं बुलाते, क्यों नाराज है, तुमने ऐसा कहा था। तो जैसे ही अब आप यहाँ बैठे तो तुरंत उन्होंने हमें कह दिया तो उन्हें बुला लो, तो जाओ अब जीवन भर तुम बालाजी से जुड़ी रहोगी। तो मूंगफली यहाँ बड़ी मारी राम। लेकिन तुम्हारा कोई लड़ाई ना करियो, बहुत तो पत्र करना मायके से जुड़ी मायके का काम कर, तो हम बैठे बाल बांका नहीं तुम्हारा सीधा राम मोदी बेटा। हाँ गुरु जी का आगे आदेश है, मनीष राम का एक बालक बैठा हुआ है, मनीष राम का बालक, उसकी अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ आजा बेटा हमें भी बड़े यार, हमें आ गए हनुमान जी, तोड़ दे दुश्मन की मचा दे दुष्टों में खलबली। कहाँ से आए हैं? नेपाल से। ओ इतना लंबा, वाह पहली बार आई हो, लग गया पहली बार। हाँ। तुम राधा रानी के भक्त, तो तुम्हें किसने कहा सपने में? हाँ अरे अच्छी बात है सारी, अरे वाह पहली बार में एक बार ताली बजा। देखो ये हनुमान जी की दया है, कई लोगों की पहली बार में लग जाती है, क्यों? जिसका मन एकदम साफ होता है, भाव बहुत दृढ़ होता है, जिसके मन में थोड़ा भी खोट होता है
उसी को ज्यादा हैरान हनुमान जी ने दया है आप राधा रानी की भक्त लो हमने लिख लिया। क्या समाधान आप पाना चाहते हैं? कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आवनत करते हैं। भक्ति चाहिए ठाकुर जी की, राधा रानी जी की, बरसाने वाली, वृंदावन वाली। ठीक, बालक का क्या विषय है? कौन है ये? हाँ, इसको तो ब्रेन की दिक्कत है, पागलपन, मंदबुद्धि भी है, दोनों तो आई है। हाँ, उनकी भी इसमें परिचय दिया, परिचय में बोला आई है। आप खड़े हो जाओ, खड़े बनो। अच्छा ठीक, हमारी भी अर्जी करते हैं।